नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो और मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, एक लारी ट्रक आ रहा था इधर से और दब गया जो मिट्टी में, जो पेट्रोल टैंक के साइड में हुआ है। यह बारिश के कारण हुआ है, बारिश तेज़ था इसके कारण मिट्टी थोड़ा गीला हो गया था। कि यह लारी वाला जो ड्राइवर था वो थोड़ा समझ नहीं पाया, इसलिए इसके कारण हुआ है ये। तो देखिए, आपका जो हमारा गाँव के तरफ है, इतना बड़ा जो लारी वाला ट्रक है जो इसमें सलिया वलिया रख लिए, तो देखिए ऐसा टाइप का हम जो लारी है कहीं भी नहीं देखा था। इतना सारा टन लेके जाता है, इतना सारा जो सलिया लेके इधर इधर जाता है। ये कर्नाटक जा रहा था, बोल रहा था कि ड्राइवर, तो ऐसा टाइप का होता है। देखिए इतना सारा बारिश गिरते हुए भी ये लारी दब गया है नीचे मिट्टी के अंदर, एकदम चिकला था। लेकिन ड्राइवर नहीं, इसको समझ नहीं आया, इसके बाद वो घुसा दिया अंदर। ये पेट्रोल टैंक हमारा गांव में है, तो इस गांव के जो वीडियो है, हम जो लोग रास्ते आ रहे थे आगे से, तो देखा कि ये एक ठो लारी घुस चुका है मिट्टी में। और हो गया है शायद 10-12 दिन हो गया इधर गिरा था। लेकिन इसका जो ड्राइवर था इतना परेशान हो गया, भैया मत पूछो, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि लारी एक ठो आया इधर और गिर मतलब मिट्टी में गीला था, दब गया। इसके बाद क्या है कि देखिए, इतना परेशान के बाद एक तो जो बुलडोजर गाड़ी है, शायद वो जो उठाने वाला क्रेन गाड़ी है, वो क्रेन लेके आया और परेशान से बेचारा, देखिए इतना दिन हो गया इधर, क्या है कि इधर रुके रुके वो बेचारा, देखिए इतना सारा दब गया था। तो मुश्किल हुआ था कि ये जो इतना टन था, जो सलिया जो रड है इतना टन था, मत पूछिए, इसको एक एक करके उन लोग पहले निकाले, इसके बाद वो जो लारी है, वो जो ट्रक है, इसको निकाले। बाद में वो क्या हो गया था, उन लोग गए थे। तो ये हमारा गांव के आमने सामने हुआ है दोस्तों, इसके कारण मैं थोड़ा आप लोग को ब्लॉग बना के दिखा सकूं कि ऐसा इंफॉर्मेटिंग वीडियो आप भी देख सके। तो ऐसा टाइप का है। तो देखिए इतना सारा बारिश के कारण वो गीला हुआ था जो मिट्टी, इसके बाद वो क्या है कि जो लारी है अंदर फंस गया था। तो बहुत जो ट्रक के ड्राइवर है वो परेशानी हो गया था, एकदम परेशानी हो गया था शायद। तो इसके कारण हम लोग भी कुछ जो आए थे गांव के लोग हैं हमारा, उन लोग भी उसको थोड़ा हेल्प किए। तो इसके बाद क्या होगा, हेल्प करके उन लोग जो इतना सारा जो टन टन सलिया था इसको देखे उन लोग। इसके बाद क्या है कि देखिए, छोटा छोटा जो सबसे बड़ा जो लकड़ी था वो भी लेके आए गांव के लोग। उस सामने पेट्रोल टैंकी है हमारा गांव के, लेकिन इसके कारण नहीं हुआ है कि कुछ नहीं। इसके बाद मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी जो गीला था, ज़्यादा बारिश हमारा या वहाँ ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हुआ है अभी, तो इसके कारण दब गया। लेकिन ये दबने से जो ड्राइवर का हालत एकदम बिगड़ गया था दोस्तों। तो कुछ हमारा गाँव के लोग है, भले आदमी हैं, उन लोग इसको हेल्प किए। बाद में जो देखिए इतना सारे लोग आए हैं, बट उन लोग हेल्प करके जाएंगे। और हमारा गांव ऐसा गांव है, हर लड़का और सब जो लड़की से बुजुर्ग लोग हैं, सब हेल्प करते हैं दूसरे लोग को, तो ऐसा टाइप का है। तो देखिए सब लोग हेल्प किए, कुछ नहीं। इसके बाद वो जो ड्राइवर था, जो लारी वाला ड्राइवर जो ट्रक का, वो आराम से लेके गया। देखिए इतना सारा जो टन टन रड यहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा था वो पूछे तो भैया बोले कि हम कर्नाटक जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ से लेके जा रहे हैं, हमको इतना नहीं पूछा, लेकिन नहीं भी पता। तो देखिए ऐसा भी होता है हमारा इस गांव में, अच्छा भले आदमी रहते हैं कि उन लोग हेल्प के, एक ड्राइवर था इसमें कोई नहीं था, तो वो बेचारा एक तो जो क्रेन वाला गाड़ी लेके आया सामने हमारा जो गाँव है, जो सिटी है, थोड़ा सा बड़ा सिटी नहीं है, छोटा वाला हमारा गाँव का है, तो वो लेके आए उन लोग। क्या है देखिए ऐसा टाइप का जो हेल्प करते हैं गांव के लोग, तो हमारा बहुत जो दिल भर जाता है, अच्छा लगता है, हमको बहुत खुश लगता है। हर गांव में ऐसा होना चाहिए था, कि होना मांगता है कि उन लोग भी हेल्प थोड़ा कर ले अनजान को, क्या कि हेल्प करना कोई गलत नहीं है दोस्तों। तो देखिए हर गांव में ऐसा बंदा होना चाहिए कि दूसरों को थोड़ा हेल्प कीजिए, कि थोड़ा हेल्प कर पाए, ऐसा टाइप का होता है दोस्तों। तो अभी देखिए ऐसा था टाइम कि इतना तेज़ बारिश के कारण कोई भी नहीं आया, 2 दिन तो इतना बारिश के कारण में कोई हेल्प नहीं कर सका हमारा गांव के लोग।
तो अभी क्या किए उन लोग, थोड़ा हेल्प किए। इसके बाद जो लारी में जितना भी टन जो सरिया था, जो रड था, उसको निकाले पहले। इसके बाद एक एक करके जो देखिए सामने सामने पेट्रोल टैंकी है हमारा, छोटा सा पेट्रोल टैंक है लेकिन गांव का है हमारा। तो हम लोग को, मैं आप लोग को बता देता हूँ, पहले जो मेरा हिंदी थोड़ा भी लूज आता है क्योंकि मैं हमारा गांव में हूँ मैं, और उड़ीसा का हूँ, इसके कारण मेरा उड़िया भाषा है थोड़ा, इसलिए मिस भी जाता है। तो मिला के बोल देता हूँ ऐसा तैसा, क्या वो गलत हो जाता है अभी अगर आप लोग अच्छा लगते हैं। लेकिन इतना प्यार दिया हम लोग को हमारा जो चैनल में आते हो, अगर मेरे चैनल में नया हो दोस्तों तो थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिंदी कच्चा है मेरा, थोड़ा मुस्कुरा के आप क्या बोलते हैं कि इसको कमेंट कर लेना दोस्तों। और क्या करना है आपको, मेरा बात समझ करो, और क्या करना है अगर नया हो तो मेरे चैनल में, और दूसरा वीडियो देखने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसके बाद क्या है कि अब कमेंट कर लो और दूसरों दोस्तों को भी शेयर कर लो दोस्तों। तो ये ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को हर दिन देखने को मिलता रहेगा, ताकि अगर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल का दबाए रखेंगे तो तब मेरा वीडियो आगे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलो आज भर इतना, चलो कल मिलते हैं और किसी नया वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर लेना, भूलना मत, और दूसरों दोस्तों को भी शेयर कर लेना। चलो तब तक जय हिंद, जय भारत।